हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अच्छा लग रहा है, हमारी फैमिली जो है धीरे धीरे बड़ी हो रही है, हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, खुशी हो रही है। और मेरे परिवार में शामिल होने के लिए सभी का धन्यवाद। और तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को अगर क्लिक किया है तो आप जानना चाहते हैं कि मैंने टैटू कैसे बनाया और कब बनाया, तो चलिए सीधा टैटू पे ही बात करते हैं और छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं। तो टैटू मैंने, ये देखिए, हाथ में बनाया है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ये निशान? अब देखा तो ये मैं जल गई हूं, और 2-3 दिन पहले जली थी, अब तो पपड़ी भी हटने लगी है, ठीक होने लगा है। मैं ना जब किचन में काम करती हूँ ना, तो मैं बहुत जलती हूँ। अभी ये समझ लीजिए कि होली के टाइम में मैं ना कई जगह चली हूँ। ये अभी फिलहाल का है, तो इसलिए अभी ये थोड़ा दिख रहा है, बाकी ठीक भी हो चुके हैं। एक दिन तो थोड़ा सा आँख पे मतलब जली थी, लेकिन ठीक हो गया है। और उंगली में, इसमें देखिए अभी भी निशान है, इसमें उंगली में ये भी जले का निशान है। तो मैं ना बहुत जलती हूँ, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है, जो किचन में काम करते हैं, जब करते हैं तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, आप लोग भी जलते हैं? मैं तो बहुत जलती हूँ, कभी उंगली में तो कभी हाथ में। कभी क्या होता है कि काम की जल्दी में होते हैं ना बहुत ज़्यादा, और बस ध्यान ही नहीं रहता है कि ये बर्तन गर्म है, और गर्म बर्तन हाथ से छू लेते हैं कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा। ये जो उंगली हमारी जली है ना, वो ऐसे ही जली है। मैंने कुछ ना कुछ गर्म ही छू लिया था, मतलब तो काफ़ी जल गई थी, छाला पड़ गया था। अब ठीक हो गया है, फिर भी अभी निशान बाकी है। और ये वाला जल्दी का है, तो ये अभी निशान जो है इसका अभी है। तो ये है मेरा टैटू। तो ऐसे टैटू किसी के ना बने, कोई ना जले। और तो ये थी आज की हमारी वीडियो, बस ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती के रूप में, तो छोटी सी वीडियो हमारी कैसी लगी आपको? फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।